नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय बहादुर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हों और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे अगले जितने भी वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी समस्या के बारे में जो कि आम है और अधिकतर लोगों में ये समस्या पाई जाती है, और वो समस्या है सांस फूलने की। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूंगा जो सांस फूलने के लिए बहुत ही कारगर हैं और आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती हैं, इसलिए प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सांस फूलने को डिस्पेनिया भी कहते हैं, और इस स्थिति में सांस लेने में दिक्कत होती है, घुटन महसूस होती है, और व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुसार सांस फूलने की दिक्कत के कई कारण हो सकते हैं, जिसे सीढ़ियां चढ़ना, दौड़ना, चलना आदि। दोस्तों, मुख्य तौर पर हार्ट या लंग्स की किसी बीमारी के कारण या उसमें कोई समस्या होने के कारण सांस फूलने की समस्या होती है, और ये दोनों अंग हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और ब्लड तथा टिश्यूओं से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। और हमारे शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन में किसी भी प्रकार यदि ज़रा सा भी उसमें डिसबैलेंस होता है तो शरीर के सामान्य कार्य प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, यह अन्य कारणों से भी सांस फूलने की समस्या हो सकती है, जैसे अस्थमा, एलर्जी, ये लो बीपी, एनीमिया या हार्ट का बढ़ जाना, इन कारणों से भी सांस फूलने की समस्या हो सकती है। दोस्तों, अब हम इसके मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। तो इसकी पहली मेडिसिन है आर्सेनिक L30। यह बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों, और यह खासकर उन लोगों के लिए अधिक कारगर है जो बहुत चिंता करते हैं और हर चीज़ में कमियां निकालते हैं। वे सोचते हैं कि दवा लेना बेकार है, दवा लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वे अब ठीक होने वाले नहीं हैं। उनके रोग लक्षण रात में बढ़ते हैं, रात में 12 बजे के बाद उनके लक्षण बढ़ते हैं। उनमें जैसे सांस में खिंचाव होना, सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये सब समस्याएं उनको रात को बढ़ती है। तो ये सब लक्षण यदि हों तो उनको आर्सेनिक देने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आर्सेनिक 30 दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर, दो बूंद शाम, 3 बार उन्हें देना चाहिए। और दोस्तों, अगली मेडिसिन है ब्लाटा ओरिएंटेड मदर टिंचर। यह भी बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों, यह मोटे लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करती है, और जिनको एलर्जी है और एलर्जी के कारण जिनकी सांस फूलती है, जो लोग परिश्रम करते हैं या नम जगह में रहते हैं इसके कारण से उनकी सांस फूलती है, तो उसमें भी यह मेडिसिन बहुत ही कारगर है। खांसी आने के कारण यदि सांस फूलती है तो उसमें भी यह मेडिसिन बहुत कारगर है। तो ब्लाटा ओरिएंटल मदर टिंचर 10 बूंद आधे कप पानी में डालकर सुबह, दोपहर, शाम 3 बार मरीज को देना चाहिए, इससे उनकी समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाती है। और दोस्तों, अगली मेडिसिन है इपिकाक 30। इसमें सांस फूलने के साथ साथ इसमें मिचली और उल्टी भी होती है, छाती में भारीपन रहता है, लगातार खांसी आती है, दम घुटने जैसा महसूस होता है, और ये सब लक्षण खिड़की आदि खोल देने से मरीज को उसमें आराम मालूम होता है। तो ऐसा लक्षण यदि मिले तो उसमें इपिकाक 30 दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर, दो बूंद शाम, 3 बार मरीज को देना चाहिए, इससे उसकी समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाती है। और दोस्तों, अगली इसकी मेडिसिन है लोबेलिया इन्फ्लाटा मदर टिंचर। इसमें ठंडी हवा में सांस फूलने की समस्या बढ़ जाती है, लगातार खांसी आती है। इसमें एक खास लक्षण है कि सांस फूलने के साथ इसमें पेट की भी कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। तो ऐसे लक्षण में लोबेलिया इन्फ्लाटा मदर टिंचर 10 बूंद आधे कप पानी में डालकर सुबह, दोपहर, शाम 3 बार मरीज को देना चाहिए, इससे उसकी समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाती है। और दोस्तों, अगली मेडिसिन है कार्बोवेज 200।
इसमें सांस फूलने के कारण इसकी नीली पड़ जाती है, आवाज़ भारी हो जाती है, खांसी में बलगम आता है और हल्का सा परिश्रम करने के कारण सांस फूलने लगती है। तो ऐसे लक्षण में कार्बोवेज 200 दो बूंद सुबह दो बूंद शाम दो बार मरीज को देना चाहिए, इससे उसकी समस्या ठीक हो जाती है। और दोस्तों अगली मेडिसिन है एंटीमटाट 30। यह दवा बच्चों और बूढ़ों में बहुत ही कारगर है। इसमें बलगम अधिक बनता है और जिसके कारण गला घड़घड़ करता है और सांस फूलती है। तो ऐसे लक्षण में एंटीमटाट 30 दो बूंद सुबह दो बूंद दोपहर दो बूंद शाम तीन बार मरीज को देना चाहिए, इससे उसकी समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तो दोस्तों ये रहा मेरा वीडियो, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा है तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।